आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। शिक्षक एकता, जिंदाबाद। शिक्षक एकता, जिंदाबाद। शिक्षक शिक्षा मित्र एकता, जिंदाबाद। शिक्षक शिक्षा मित्र एकता, जिंदाबाद। जिंदाबाद। बीसी शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश दिए गए। आदेश के बाद शिक्षकों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने बुधवार को दोपहर बीआरसी खैरागढ़ पर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना देते हुए तहसील परिसर पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन SDM संदीप यादव को सौंपा। पिछले वर्ष कुछ विद्यालय में पानी भर जाने से बारिश के मौसम में छतों से पानी टपकने से कई विद्यालय में दुर्घटनाएं होने से बाल बाल बची। नगला कमल सिंह एक विद्यालय की छत भरभरा कर गिर पड़ी, कोई अनहोनी नहीं हुई। छात्र स्कूल में पहुंच ही रहे थे, विद्यालय खुलने का समय होता ही जा रहा था, इसलिए बड़ा हादसा होते होते टल गया। अध्यापकों ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन सुधार की स्थिति नहीं बन पाई। कुनकईडई स्थित विद्यालय की स्थिति कुछ ऐसी है, जिसमें पानी भरा हुआ है, रास्ते में भी पानी भरा है, छात्र विद्यालय तक पहुंच नहीं पा रहे। अध्यापकों का कहना है कि अगर इस तरह से कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो हम लोगों पर कार्रवाई होती है। ये प्राथमिक विद्यालय कुनकईडई में पानी भर गया है, जल स्तर कल से भी बढ़ गया है, और ऐसी कंडीशन में ये बच्चे कैसे विद्यालय तक पहुँचेंगे। आज किस मामले में आप लोगों ने काली पट्टी बांधकर धरना दिया? ये आज नहीं, आज तो हमने ज्ञापन दिया है और सांकेतिक धरना प्रदर्शन ब्लॉक संसाधन केंद्र खैरागढ़ यानी कि कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी पर किया है। लगभग 200-300 शिक्षक उपस्थित रहे और शिक्षकों में आक्रोश है। जो डिजिटल हाजिरी हमारी ली जा रही है, डिजिटल उपस्थिति ऑनलाइन ली जा रही है, उसके विरोध में हम लोग आंदोलनरत और पूरे प्रदेश में ये गतिमान है और प्रतिदिन ये आंदोलन चल रहे हैं विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, और काली पट्टी बांधकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य जो विद्यालयों में कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। शिक्षक संस्थान और शिक्षकों से संबंधित और क्या परेशानियां हैं? देखिए, तमाम व्यवहारिक समस्याएं हमारे सामने हैं, जैसे जर्जर भवन बहुत ज्यादा है। हमारे ब्लॉक में कई विद्यालय ऐसे हैं जो जलमग्न है, घुसने का रास्ता नहीं है, बच्चे नहीं प्रवेश कर सकते, टीचर प्रवेश नहीं कर सकता है, रजिस्टर नहीं निकाले जा सकते, तालाब बना हुआ है। विद्यालय प्राथमिक विद्यालय कुनकईडई है, कई विद्यालय हैं ऐसे जिनका मैं नाम आपको गिना सकता हूँ, लिखित में भी आपको सूचना मैं आपको दे दूंगा। व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं हमको, रास्ते खराब हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे, और केवल शिक्षकों पर ही ये ऐसा डिजिटल हाजिरी क्यों ली जा रही है, अन्य विभागों में ये क्यों लागू नहीं हो रही है? पिछली वर्ष कुछ विद्यालयों में सही मौसम में बारिश के सीजन में ये कंडीशन बनी थी, कुछ विद्यालय में छतें गिरी थी, जिसमें रसोईया गिरी थी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं आपके माध्यम से अधिकारियों को सूचित किया गया। जी जी, मैं आपको आपके माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि जो घटनाएं पूर्व में हुई हैं वो पुनः उनकी पुनरावृत्ति होने वाली है। अभी SDM साहब को भी हमने इस बात से अवगत करा दिया है कि ऐसे विद्यालय जो जर्जर हैं उनमें भी आज मजबूरी में शिक्षक को जो है और वहाँ के प्रधानाध्यापक को बच्चों को बिठाना पड़ रहा है। कोई भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है, बारिश का मौसम है और बहुत जर्जर भवनों में जो है कक्षाएं चल रही हैं। और विद्युत से संबंधित समस्या विद्यालय में किन जगह पे ज्यादा है? बिल्कुल, विद्युत की समस्या को फिर भी हम सेकेंडरी मान रहे हैं कि गर्मी तो झेल लेगा आदमी, लेकिन शिक्षक और शिक्षार्थी की जान खतरे में है, जर्जर भवनों में विद्यालय चल रहे हैं। जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक बार हमको लिखित रूप में, वैसे पूर्व में हम बता चुके हैं, एक बार विभागीय तौर से हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हम आदरणीय SDM साहब को अवगत करा देंगे। कौन कौन से विद्यालय जिनमें पानी और रास्ता बंद है? प्राथमिक विद्यालय कुनकईडई में बिल्कुल पूरा विद्यालय डूबा हुआ और रास्ता भी बंद है, और नरीपुरा में है प्राथमिक विद्यालय नरीपुरा और नगला सिताब। ऑनलाइन का जो प्रोग्राम आया है, इसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि दोहरी नीति हम बिल्कुल अपनाएंगे नहीं और इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। ये सारे विभागों में करें, पहले प्रदेश कार्यालयों में करें, फिर जिले कार्यालयों में करें, उसके बाद विद्यालयों में करें, हम सहमत हैं। पहले BRC पर ये काली पट्टी बांधकर किसी संबंध में विरोध कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहना है? शिक्षकों ने आज ये ज्ञापन दिया है, अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस जो इनकी प्रक्रिया शुरू गई है की गई है इस माह से, उसमें इनका ये कहना है कि ये सभी विभागों में लागू की जाए एक रूप से,
ना कि सिर्फ शिक्षा विभाग में। दूसरा इनका आपत्ति ये थी कि कई सारे विद्यालयों के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है प्रॉपर सेट नहीं किए गए हैं, जिससे वो एब्सेंट दिखाए जा सकते हैं। तीसरा कि तीन समय अटेंडेंस होगी, उसमें एक भी समय लेट होने से इनकी एब्सेंट मान ली जाएगी। चौथा कि अभी आधे घंटे का इनको ग्रेस पीरियड दिया गया है 10 दिन के लिए, अगर ये लेट पहुँचते हैं वो भी बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो यही सारी इनकी समस्याएँ थी नए सिस्टम को लेकर। और सर जैसे कि प्राथमिक विद्यालय कुकंडी में जल भराव है, ऐसे ही अन्य विद्यालय में भी समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है? इनके द्वारा तीन विद्यालयों के बारे में जल भराव से अवगत कराया गया है। कुकंडी है, नगला सिताब है और नदीपुरा है। इसमें अभी मेरे माध्यम से वीडियो को तत्काल एक लेटर जाएगा और प्रधान के माध्यम से सहयोग से हम लोग इसको पंप से निकलवाएंगे ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और टीचर भी रहें। पिछले वर्ष कुछ विद्यालयों में छतें गिरी थी, किसी में रसोई गिरी थी, किसी में और भी घटनाएं कई तरह हुई थी, लेकिन ना तो ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही शिक्षा विभाग ने उनमें कोई सुधार किया। अगर आने वाले समय में फिर कोई घटना घटती है और कोई चोटिल होता है, इस तरह से जिम्मेदारी किसकी रहेगी? जो भी स्कूल में कार्य हुए हैं वो कार्यदायी संस्था के द्वारा किए गए होंगे, उस कार्यदायी संस्था पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, वो विभाग की जिम्मेदारी है। और ये यदि नहीं की जाती है और हम लोग को कोई शिकायत आती है तो हम लोग अपने स्तर से इसको जिलाधिकारी महोदय को लेकर के कराएंगे। खिराड़ क्षेत्र में लगभग 90% विद्यालय जर्जर बताए जा रहे थे, अभी जो शिक्षकों से हमारी बात हुई उन्होंने बताया, वो संज्ञान आपको नजर में भी है? अभी उन्हीं से मुझे संज्ञानित हुआ है, मेरे संज्ञान में ये नहीं था कि 90% है। हाँ, कुछ प्रतिशत जरूर होंगे, इसकी जानकारी ले दी जाएगी डिटेल से। और जो भी इस तरह के जर्जर हैं उन पे क्या अभी करंट उनकी क्या उनकी रणनीति है उसको ठीक करने की, वो पूछी जाएगी।